अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग ओके। हम एक नया टॉपिक अब शुरू करने लगे हैं जो कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली इट्स अ थ्योरम अबाउट पावर्स ऑफ टू वेरिएबल्स। दैट्स वेयर द वर्ड बाय कम्स फ्रॉम। बाय मीन्स टू, नॉमियल उसकी जो पावर्स हैं, तो हम उसको स्टडी करेंगे। और मैथमेटिक्स में अक्सर हम करते हैं कि हमें अगर कोई पैटर्न नज़र आता है तो हम वी ट्राई टू फिगर आउट उसकी जनरलाइजेशंस क्या हैं। यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है दो नंबर्स में, तो वो तीन नंबर्स में उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या कोई पैटर्न है, चार नंबर्स में उसकी क्या पैटर्न होगा। तो इसी तरह हम बाइनोमियल थ्योरम भी इसी तरीके से शुरू हुआ था, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारी इसकी एक्चुअली एप्लीकेशन है। हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की देखेंगे एक आध जगह जहाँ पे हमको डेसिमल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी इजीली पावर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आइडिया है वो यही है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। हमने उनका स्क्वायर ले लिया, ये फार्मूला हम सब फेमिलियर हैं इससे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जो एक्स प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले को भी याद रखते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अगर मैं एक्स प्लस वाई टू द पावर फोर लेना चाहूँ उसका कोई फार्मूला है, एक्स प्लस वाई टू द पावर फाइव लेना चाहूँ उसका कोई फार्मूला है। अगर फार्मूला, या तो फार्मूला मैं याद कर लूँ, या कोई उसका ऐसा तरीका मेरे पास हो कि मैं क्विकली उसको रेफर करके उस तरीके को पता कर लूँ कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हमारी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये हम बाइनोमियल थ्योरम डील्स विद दिस क्वेश्चन कि अगर मेरे पास x प्लस वाई टू द पावर 11 हो फॉर एग्जांपल, उसको क्या मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, कोई ऐसा मैकेनिज्म है, या मैं बैठ के x प्लस वाई को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो यहाँ पर हमने कुछ पैटर्न्स देखने शुरू किए, और ये बड़ा टिपिकल मैथमेटिक्स का प्रोसेस है कि आप एक दो चीज़ें देखते हैं, उसके बाद आप फिर पैटर्न्स देखने शुरू करते हैं, और उन पैटर्न्स को आप इस्तेमाल करके जनरलाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो हमने कहा अच्छा, हमें पता करना है x प्लस वाई टू द पावर 200 या एनी नंबर n। सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉलेस्ट वन, x प्लस वाई टू द पावर 1। तो हमने उसको लिख दिया देयर इज x प्लस वाई। अब आप देखें स्लाइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे मेरा वो पॉलीनोमियल है या जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई का टू सम पावर, उसके राइट साइड पे जो सारे कोफिशंट्स आएंगे वो मैं लिख रहा हूँ। तो पहले हमारा आ गया x प्लस वाई टू द पावर 1, दैट इज x प्लस वाई। एक्स का कोफिशंट क्या है, 1 है, y का कोफिशंट 1 है, तो वो राइट साइड पे मैंने 1 इस तरह करके लिख लिया। अब दूसरा है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसमें अगर आप तीनों वेरिएबल्स के कोफिशंट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स वाई का 2 है, और वाई स्क्वायर का 1 है, वो भी हमने साइड पर लिख गया 1, 2, 1। फिर एक्स प्लस वाई होल क्यूब, जब इसको हमने खोला एक्सपेंड किया तो इसके कोफिशंट भी लिख लिए 1, 3, 3 एंड 1। एक्स प्लस वाई टू द 4, इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड अभी तक हम पुराने तरीके से कर रहे हैं, यानी कि उनको चार दफ़ा एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन हम पैटर्न तलाश कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई टू द 4 का आ गया 1, 4, 6, 4 एंड 1, दीज आर द कोफिशंट्स। एंड एक्स प्लस वाई टू द पावर 5, इसके कोफिशंट्स आते हैं 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1। अच्छा, अब आप ये देखेंगे एक पहाड़ सा बन रहा है, अगर आप सिर्फ कोफिशंट देखें शुरू से तो ये नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सप्रेशन बड़ा हो रहा है, कोफिशंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो और ये इसको हम कहते हैं पास्कल ट्राइंगल, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको मदद करती हैं इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने में। ये ट्राइंगल सा भी बन रहा है, अगर आप ऊपर से शुरू करें और नीचे तक आए तो ये बेसिकली ट्राइंगल सा बन रहा है, एक पहाड़ सा। इसमें कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि बाहर इस ट्राइंगल के सारी वैल्यूज़ 1 है, ऑल द वैल्यूज़ आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल आर 1। अच्छा, अंदर की वैल्यूज़ देखें आप, कन्वेंशन ये है कि जो पहली रो है इस ट्राइंगल की, जहाँ पे 1, 1 आया है, उसको हम कहते हैं रो 0। सॉरी, इससे पहले एक रो आएगी रो 0, उसमें हम सिर्फ ऊपर एक 1 लिखेंगे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। फिर ये रो 1 आएगी, x प्लस वाई टू द पावर 1 इज रो 1, x प्लस वाई टू द पावर 2 इज रो 2।
सो अब आप रो टू में देखिए कि बाहर तो 1 1 आ गए, अंदर हमारे एक वैल्यू है 2। अगर आप 2 के ऊपर देखें, उससे ऊपर वाली रो पे, तो 2 1s है। अगर हम उन 2 1s को ऐड कर देंगे तो नीचे का 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो हमने एक ऐसी एक ऑब्जर्वेशन थी। अब x प्लस वाई टू द पावर 3 के देखें आप कोफिशंस, नीचे आपके आउटसाइड तो 1 1 आ रहा है। अब आप लेफ्ट से शुरू करें, जो 3 है, 3 के ऊपर आप देखें, ऊपर वाली रो में क्या है, 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ गया। उससे आगे भी 3 है, उस 3 के ऊपर क्या है, 2 और 1, उन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। ये भी एक पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट देख लें, x प्लस वाई टू द पावर 4, इसमें देखें बाहर तो 1 1 आ गया, अब अंदर देखें जो पहली वैल्यू आती है लेफ्ट साइड से वो है 4, 4 के ऊपर है 1 एंड 3, उसके जो पिछला रो थी 1 एंड 3, 1 प्लस 3 इज 4। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 6, 6 के ऊपर देखिए आपको नजर आएंगे 3 एंड 3, 3 प्लस 3 इज 6, फिर उससे अगले है फिर 4, उस 4 के ऊपर है 3 एंड 1, 3 प्लस 1 इज 4 और फाइनली 1। इसी तरह अब हमें एक पैटर्न से नजर आना शुरू हो गया, यानी कि इस ट्राइंगल के जो कोफिशंस हैं उनकी हर वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं कि बाहर तो 1 1 आएगा और फिर हम लेफ्ट से शुरू होंगे और उसके ऊपर की दो वैल्यूज को ऐड करके एक कोफिशन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हमारा पहला पैटर्न आ गया, समझ आ गया कि जो कोफिशंस हैं किसी भी एक्सप्रेशन के वो हम कैसे निकाल सकते हैं। वो हम उससे जो पहले एक्सप्रेशन के कोफिशंस थे, पास्कल ट्राइंगल इसको कहते हैं, इट इज नेम आफ्टर अ मैथमेटिशियन पास्कल हु इन्वेंटेड दिस टेक्निक। तो हम पास्कल ट्राइंगल में उसके जो ऊपर की रो है उनके दो नंबर्स को ऐड करके नीचे का नंबर ले सकते हैं, दैट इज वन थिंग। अब वो जो नंबर्स हैं, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और हमारा पहला वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है y, तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज स्टार्ट कर रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई टू द पावर 4 में हाईएस्ट वैल्यू x ही है x4, तो वो x4 आ गया। फिर हम x की वैल्यू एक नंबर से कम करते हैं और y की एक नंबर से बढ़ा देते हैं। पहली तो खाली x4 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, y टू द पावर 0 इज 1, सो इट्स x टू द पावर 4। अगली टर्म में आप देखें x की एक कम हो गई और y की एक बढ़ गई, 4 से 3 हो गई और y की 0 से 1 हो गई। उससे अगले में x की फिर एक कम हो गई, 3 से 2 हो गई, y की 1 से 2 हो गई, बढ़ गई। फिर x की 2 से 1 हो गई, y की 2 से 3 हो गई और आखिर में x की 1 से 0 और y की 3 से 4 हो गई। तो ये भी तरीका हमने देख लिया। हम इस तरह से एक्सपेंड करें तो कोफिशंस जो हम लगाएंगे, जो हमें राइट साइड पे मिल रहे हैं पास्कल ट्राइंगल से, वो हम लेफ्ट टू राइट इसी तरह लगाना शुरू करेंगे। यानी कि 1 हम लगाएंगे x टू द पावर 4 में, 4 लगाएंगे एक्स क्यूब टू द पावर एक्स क्यूब वाई में, फिर 6 लगाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, फिर 4 लगाएंगे एक्स वाई क्यूब में और फिर 1 लगाएंगे वाई टू द पावर 4 में। तो हमने ये एक तरीका निकाल लिया कि अगर हम शुरू की तो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, x प्लस वाई क्यूब निकाल सकते हैं, ये दो निकाल के उसके बाद की सारी वैल्यूज हमने निकालनी है, बड़े आसानी से हम पास्कल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखें यहां पर आपके है x प्लस वाई टू द पावर 5, अब अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूं, इससे पहले मैं आपको ये ट्राइंगल मैंने स्लाइड में दिखा दिया कि कैसे आ रहे हैं, हर वैल्यू ट्राइंगल की इज ऑब्टेन बाय एडिंग दी वैल्यूज अबव इट। तो 4 जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है यहां पे, इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 प्लस 3 व्हिच आर अबव इट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर 5 आ गया। x y कोई भी जेनेरिक वेरिएबल है, उनकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है टू एक्सपेंड a प्लस x टू द पावर 6। हमें पावर 5 का पता है, 6 की अब निकाल सकते हैं हम कि नहीं। मैंने क्या किया कि जो फिफ्थ रो थी पास्कल ट्राइंगल की वो फॉर रेफरेंस आपके लिख दी। फिफ्थ रो है 1 5 10 10 5 एंड 1। इस रो से अब आप उसके नीचे जो हमने क्योंकि 6 पावर में एक्सपेंड करना है a प्लस x टू द पावर 6, तो हमको 6 रो के कोफिशंस चाहिए। तो 6 रो के कोफिशन कैसे होंगे, स्टार्ट 1 से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा उसके ऊपर क्या है, 1 एंड 5, 1 प्लस 5 6। उसके नेक्स्ट जो होगी उसके ऊपर क्या है, 5 प्लस 10 15। फिर नेक्स्ट कोफिशन क्या होगा, उसके ऊपर नंबर्स हैं 10 प्लस 10, 2 10s हैं, उन दोनों को ऐड किया 20। फिर नेक्स्ट कोफिशन आया उसके ऊपर है 10 एंड 5, 10 प्लस 5 15। और उसके बाद आ गया 6, वो क्यों कैसे अप्रिंट किया, 5 प्लस 6, उसके नीचे हमने 6 लिख दिया और आखिर में फिर एक 1। तो अगर हमें कोफिशन 6 के नहीं पता थे टू द पावर 6 के, हमने पावर 5 के कोफिशन देखे और उनको इस्तेमाल करके पावर 6 के कोफिशन निकाल लिए, 1
फिर 1 प्लस 5 6 प्लस 5 प्लस 5 10 प्लस 5 प्लस 10 15 10 प्लस 10 20 10 प्लस 5 15 5 प्लस 1 6 एंड देन 1. सो वंस आई नो द कोएफिशिएंट्स, अब जो प्रोसेस है वो ये है कि जो पहला नंबर है या पहला वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली उसकी पावर्स कम करते हैं और दूसरे वेरिएबल की बढ़ाना शुरू कर देते हैं. तो अब हम a प्लस एक्स टू द पावर 6 को लिख सकते हैं. पहला कोएफिशिएंट, पहला जो नंबर होगा वो a टू द पावर 6 होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर. उसका कोएफिशिएंट क्या है, वो 1 है, ऊपर हमें रो नजर आ रही है. उससे अगली वैल्यू होगी a टू द पावर 5 x टू द पावर 1. a की अब कम होती जाएंगी, x की बढ़ती जाएंगी, x दूसरा वेरिएबल है इसमें. कोएफिशिएंट इसका होगा 6, तो 6 a टू द पावर 5 x. उसका नेक्स्ट होगा 15 और a की पावर एक और कम हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी, x की 1 से बढ़ के x स्क्वायर हो जाएगी. 15 a 4 x स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब x क्यूब एंड सो ऑन. तो आपने देखा इस तरह से कि पास्कल ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करते हुए हम रिलेटिवली ईजी फील करते हैं, यानी कि बजाय इसके कि मैं a प्लस एक्स टू द पावर 6 निकालने के लिए मैं a प्लस एक्स को a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करता, फिर उसको a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करता 6 टाइम्स, फिर उनको मैं सिंप्लीफाई करता, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करता, दैट वुड हैव टेकन मी अ लॉन्ग टाइम. लेकिन इसमें मैंने सिर्फ जो पिछली रो थी उसको इस्तेमाल करके आंसर निकाल दिया. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये है 2x प्लस 3 टू द पावर 4. अच्छा, अब हमारा इस तरह के चीज़ों को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. हमारा जो पास्कल ट्रायंगल था वो था इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई टू द पावर सम नंबर. यहाँ पर x प्लस वाई नहीं बल्कि 2x प्लस 3 आ गया, तो उसमें यू नो नथिंग टू वरी अबाउट, दीज आर जस्ट नंबर्स. तो हम कहते हैं 2x को हम एक बड़ा x कर देते हैं, इट्स स्टिल अ नंबर सो वी कॉल इट बिग x, एंड 3 को हम कह देते हैं बिग y. तो 2x प्लस 3 टू द पावर 4 इट बिकम्स x प्लस y, बिग x प्लस बिग y टू द पावर 4. वो हमें पास्कल ट्रायंगल से पता है फोर्थ रो की क्या वैल्यूज हैं, 1 4 6 4 एंड 1. वो कैसे निकाली, x प्लस वाई टू द पावर 3 से, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और आउटसाइड आपके 1 1. जब आपने ये एक्सप्रेशन लिख लिया जो आपको दूसरी रो में नजर आ रहा है, उसके बाद जो आपने x और बिग y और बिग x की जो वैल्यूज थी, बिग x वॉज इक्वल टू 2 टाइम्स x एंड बिग y वॉज इक्वल टू 3, उनकी वैल्यूज आपने डाल दी. तो जहां जहां आपका x अपीयर कर रहा था बिग x, उसको आपने 2x से रिप्लेस किया, बिग y की जगह 3 रिप्लेस किया, और उसको जब आपने एक्सप्रेशन में डाला तो आपका आंसर आ गया 16x टू द 4 प्लस 96x क्यूब प्लस 216x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 81. अब इसमें आपने देखा कि क्या हमने निकाला, हमने पहले एक जेनेरिक सा फॉर्मूला निकाला और मेथड निकाला पास्कल ट्रायंगल के थ्रू समझने का x प्लस वाई टू द पावर n को. उसके बाद हमने कहा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम x की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 2x डाल सकते हैं, 1 ओवर x डाल सकते हैं, 5x डाल सकते हैं, और y की जगह भी कुछ नंबर डाल सकते हैं. फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, उसके बाद उनकी जो वैल्यूज हम डालेंगे तो हम उसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं. तो इस एक्सप्रेशन को हम कोई भी एक्सप्रेशन डाल दें, कोई भी बायनोमियल्स डाल दें, आप कोई भी दो वेरिएबल्स डाल दें, आप इसको इस्तेमाल करके उनको एक्सपेंड कर सकते हैं टू एनी पावर. ये एग्जाम्पल आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 5. फिफ्थ रो के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 1 5 10 10 5 एंड 1, पास्कल ट्रायंगल से. अब एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा पहला वेरिएबल है और 5 हमारा दूसरा वेरिएबल है. तो अब एक्स स्क्वायर को आप अपने आइदर यू राइट इट डाउन या आप अपने जहन में उसको तसव्वुर कर लें कि इट्स बिग एक्स एंड 2 इज बिग वाई. तो आप पास्कल ट्रायंगल के तहत उसको लिख सकते हैं बिग एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 बिग एक्स टाइम्स टू द पावर 4 टाइम्स वाई प्लस 10 बिग एक्स क्यूब टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. उसके बाद आप उनकी वैल्यूज डाल दें. तो अब आपकी इसकी वैल्यूज आ गई x टू द पावर 10 प्लस 10 एक्स टू द पावर 8 प्लस 40 एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन. यानी कि वही फिर आपने उसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. अब ये आगे मैंने एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लिखा है, इसको जरा गौर से पढ़ना. ये एक बायनोमियल नहीं है, इट इज नॉट बायनोमियल मीनिंग इट के सिर्फ दो वेरिएबल नहीं, इसमें तीन चीजें आ रही हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर. अभी तक तो हम दो चीजों को देखते रहे, तो इसको कैसे करना है ना, इसको करने के भी तरीके हैं. तरीका इसमें यही है कि अगर हम इसकी जो दो टर्म्स हैं, या तो पहली दो या आखिरी दो, उनको कंबाइन करके अपने जहन में एक वेरिएबल बना लें.
यानी कि इस एग्जाम्पल में हमने कहा कि लेट बिग एक्स और कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 + 2x, यानी कि उसकी जगह हमने 1 + 2x लिख लिया और बिग वाई की जगह हमने 3x² लिख दिया. तो 3x² इज इक्वल टू बिग वाई. अब जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स एज कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई रेज टू द पावर 3. उसको हमको पता है कैसे एक्सपेंड करना है, वो हमने लिख लिया x³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस y³. अब उसमें हम जो x हमने अपनी आसानी के लिए इंट्रोड्यूस कराया था कैपिटल x और कैपिटल y, उसको हम उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर लें. तो जहां जहां आपके कैपिटल x आ रहा है वहां पे हम 1 + 2x लिख लेंगे और जहां जहां आपका कैपिटल y आ रहा है वहां हम 3x² लिख लेंगे. तो पहली वैल्यू आती है हमारी x कैपिटल x क्यूब, उसकी जगह हमने लिख लिया 1 + 2x³ प्लस 3 कैपिटल x² y, उसकी जगह हमने लिख लिया 1 + 2x² टाइम्स 3x², 3x² इज y एंड सो ऑन. तीसरी वैल्यू भी इसी तरह लिखी. अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि आप देखें जो पहली वैल्यू आ रही है 1 + 2x⁻³, वो अगेन एक बायनोमियल आ रही है, वो भी एक बायनोमियल एक्सपेंशन आ रही है. उसमें भी आप अब उसमें दो वेरिएबल्स हैं तो आप एक्स प्लस वाई होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, अगर आपको याद नहीं है तो आप पास्कल ट्राइंगल से रीड कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आप 1 + 2x⁻³ उसको एक्सपेंड कर लें. वो आपका आ जाएगा 1 × 3 इज 1 प्लस 3 × 1⁻² × 2x प्लस 3 × 1⁻² × 2x² प्लस 1 × 0 × 2x³. तो ये हमारी एक्सपेंशन आ गई पूरी 1 + 2x⁻³ की एक्सपेंशन आ गई. और उसके आगे फिर हम बाकी टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं. उसको फिर हमने जब नीचे सिंप्लीफाई कर लिया तो इन दी एंड हमारी वो जो लास्ट लाइन में एक्सप्रेशन आ गया 1 + 6x + 21x². सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है कि जो आप लाइक पावर्स हैं एक्स की उनको इकट्ठा कर लेते हैं. तो अगर कहीं x² एक जगह आ रहा है, x² एक जगह आ रहा है, उनको आप मिला लें तो फिर आपका आखिरी एक्सप्रेशन लाइन में आ जाएगा. तो आपने इस तरह देखा कि अगेन हमें एक इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, दिस इज नॉट अ बायनोमियल, हमें एक ट्राइनोमियल दे दिया जिसमें ये तीन आपकी चीज़ें आ गई इंस्टेड ऑफ टू. लेकिन हमने उसको बायनोमियल की एक टेक्निक इस्तेमाल की कि हमने उन दो चीज़ों को मिला के एक वेरिएबल बना लिया और तीसरी को दूसरा बना लिया, उन पर हमने बायनोमियल अप्लाई किया, उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू वापस डाली और उसको हमने फिर अगर बायनोमियल कहीं अप्लाई होता है वो किया और उसको हमने फिर सिंप्लीफाई कर लिया. तो बड़ी पावरफुल टेक्निक है, इससे बहुत सारी पावर्स बहुत सारे आप एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं. मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल हैं इसमें, जितना आप उसको अंदर से समझेंगे उतनी आसानी से आपको समझ आएगा कि कैसे इसको करना है. अब ये एग्जांपल है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 4⁵. कि जिसको अगर मैं बाइनोमियल के उसमें लिख लूँ तो वो क्या आएगा, 3x + -4 इज माई वाई एंड 3x इज माई एक्स एंड दैट होल थिंग रेज टू द पावर 5. अच्छा, क्योंकि ये पावर 5 की एक्सपेंशन हो रही है बायनॉमियल की, तो इसमें जो फिफ्थ रो है पास्कल ट्राइंगल की वो लगेगी. फिफ्थ रो मैंने फिर रेफरेंस के लिए लिख दिया 1 5 10 10 5 1. अब आपको ये भी पता है कि जो x³ की हमने कोफिशियंट निकालना है ना, x³ और 3x और बिग x में सिर्फ फर्क उस 3 का कॉन्स्टेंट का है. तो बिग x³ या कैपिटल x³ का जो पावर होगी वही पावर 3x की पावर होगी. तो वो कौन सी पावर होगी जिसमें कैपिटल x³ आएगा, वो कौन सी टर्म होगी. आपको पता है कि स्टार्ट हम करते हैं पहले नंबर से, उसकी हाईएस्ट पावर होती है. तो पहले नंबर की हाईएस्ट पावर x की होगी 5, दूसरे नंबर की हाईएस्ट पावर x की होगी 4 और तीसरे नंबर की हाईएस्ट पावर x की होगी क्यूब. तो हमें तीसरी वैल्यू चाहिए. तो अब हम पास्कल ट्राइंगल में देखते हैं कि रो में तीसरा कोएफिशिएंट क्या आता है. पहला 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 10. सो हमने 10 लिख लिया. उसके बाद x³ की और y² की वैल्यूज डाल दी हमने. x की वैल्यू 3x, y की है -4. तो 3x³ किया तो वो 27x³ बन गया, -4 को स्क्वायर किया तो वो 16 हो गया. सो 10 × 27 × 16 इज 4320 और x³ वैसे ही आ गया. सो द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 4⁵ इज इक्वल टू 4320. इसमें आपने देखा कि हमने पूरा ट्राइंगल नहीं यूज़ किया या पूरी उसकी एक्सपेंशन नहीं यूज़ की, हमने सिर्फ ट्राइंगल को देखा,
इस लॉ को जहन में रखा कि पहले एक्स की जो पहले वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट होती है, फिर कम होती रहती है, और उसके बाद हमने उन वैल्यूज़ को ट्रायंगल में से लिया, कोफिशिएंट के साथ मिलाया, और जो कि सिंप्लीफाई करना था वो सिंप्लीफाई कर दिया। एक और एप्लीकेशन है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काफ़ी है, इस पास्कल ट्रायंगल इनफ फॉर अस? तो यू कैन डेफिनेटली डू अ लॉट विद इट। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू गो टू रियली हाई पावर्स, एक्स प्लस वाई टू द पावर 15 अगर मुझे निकालनी है, या एक्स प्लस वाई टू द पावर 24 निकालनी है, या एक्स प्लस वाई टू द पावर 100 निकालनी है, उसमें अगर कोई मुझसे कहे कि फाइंड दी, लेट्स से हम एक्स प्लस वाई टू द पावर 15 निकाल रहे हैं, फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म एक्स टू द 9 वाई टू द 6। ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है, जो एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं किसी भी टर्म में, एक्सप्रेशन की किसी भी टर्म में, उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होके वही बनेंगी जो पूरे एक्सप्रेशन की है। यानी कि अगर एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई टू द पावर 15 तो स्टार्ट होगा एक्स टू द 15, फिर जाएगा एक्स टू द 14 वाई, फिर एक्स टू द 13 वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एक्स और वाई की जो पावर्स का एड एडिशन होगा, जो सम होगा, देयर इज विल ऑलवेज बी 15, एंड देयर इज ट्रू विद ऑल बाइनोमियल्स। तो अगर कोई मुझसे कहे एक्स टू द 9 वाई टू द 16 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो मुझे पूरा वो लिखना पड़ेगा, पास्कल ट्रायंगल, लंबी सी रो होगी, और उसमें से जाना होगा, अच्छा दिस वाज, दिस इज गोना बी दिस रो, दिस इज गोना बी द 6th रो, ऐसे करके वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है। और स्पेशली अगर एक्स प्लस वाई की पावर जो है वो काफ़ी बड़ी हो, तो पास्कल ट्रायंगल फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यूज़ करना, क्योंकि फिर बड़ी बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपको उससे पहले का बड़ा एक्सप्रेशन पता करना है, उससे पहले का बड़ा एक्सप्रेशन पता करना है। तो व्हाट वी रियली नीड, वी नीड अ फॉर्मूला। पास्कल ट्रायंगल तो एक टेक्निक थी, एक मैकेनिज्म था जो हमने आपको दे दिया, अब हमें चाहिए फॉर्मूला कि हम उसको प्लग इन करके क्विकली निकालें विदाउट वरिंग कि जी उसकी पहले की रो क्या थी, उससे पहले की रो क्या थी, कोफिशिएंट्स को कैसे ऐड करना था, क्या करना था, वो कैसे। अच्छा, उसके लिए हमारी एक और ऑब्जर्वेशन आती है पास्कल ट्रायंगल ही से। आप देखिएगा कि जो पास्कल ट्रायंगल की जो वैल्यूज हैं, सबसे ऊपर जीरो रो है वन की, उसके नीचे फिर वन वन फर्स्ट रो एंड देन सो ऑन। ये मैंने पास्कल ट्रायंगल दोबारा लिख दिया, राइट साइड पे कोफिशिएंट्स लिखे हुए, लेफ्ट साइड पे उसके हमारा NCR या NCK लिखा हुआ है। NCK जो है, रिमेंबर, ये हम इससे पहले जब परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके थे तो उसमें हमने NCK की वैल्यू देखी थी, देयर इज N चूज K। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर NCK? देयर इज N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय K फैक्टोरियल टाइम्स N माइनस K फैक्टोरियल। ये NCK की वैल्यू है। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन ये और की कि जो पास्कल ट्रायंगल था उसके जो कोएफिशिएंट्स थे दे एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड टू दीज NCK वैल्यूज। जो पहला नंबर है वन, दैट इज जीरो सी जीरो, जीरो फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल टाइम जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल हमें पता है इज इक्वल टू वन, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो दैट इज वन। वन सी जीरो, उसके नीचे की रो में आ जाए, वन फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल टाइम्स वन फैक्टोरियल, दैट इज वन ओवर वन टाइम्स वन, दैट इज ऑल्सो वन। वन सी वन क्या है, वन फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल टाइम्स जीरो फैक्टोरियल, दैट इज अगेन वन ओवर वन टाइम्स वन, दैट इज ऑल्सो वन। उसकी थर्ड रो में जब आएँ, यानी कि जो पास्कल ट्रायंगल की जो सेकेंड रो कहलाती है, उसमें जब आप आएंगे तो पहला नंबर है वन, दैट इज टू सी जीरो, टू फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल टाइम्स टू फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वन आया, टू फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, सो दैट इज इक्वल टू दैट कोएफिशिएंट वन ऑन द राइट साइड। टू सी वन इज टू फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल टाइम्स वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल इज टू, वन फैक्टोरियल इज वन, सो इज टू ओवर वन, दैट इज टू, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर टू इन द पास्कल ट्राइंगल। और आखिरी है टू सी टू, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन। तीसरी रो में आ जाए आपको यही चीज नजर आएगी, थ्री सी जीरो इज इक्वल टू वन, थ्री सी वन इज थ्री, थ्री सी टू इज थ्री, एंड थ्री सी थ्री इज ऑल्सो वन। तो हमने एक बड़ी अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस निकाली, यानी कि जो कोफिशियंट्स हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन के, दे कॉरेस्पॉन्ड टू दीज नंबर्स एन सी के। अगर आप देखें सेकेंड रो में टू है तो आई एम एक्सपेंडिंग एक्स प्लस वाई टू द पावर टू, थर्ड रो में थ्री है तो आई एम एक्सपेंडिंग एक्स प्लस वाई टू द पावर थ्री। सो जो एन है दैट इज द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन वी आर एक्सपेंडिंग, और जो नीचे के की वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं डिफरेंट, जैसे एन की पावर कम होती जा रही है के की बढ़ती जा रही है, वो जो वाई का एक्सप्रेशन आएगा उसकी पावर्स होंगे।
तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी बड़ी की ऑब्जर्वेशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इसका बड़ा अच्छा सा प्रूफ मौजूद है बायनॉमियल थ्योरम का। इसकी बेसिकली दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट इस थ्योरम की ये है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है, if n इज अ नेचुरल नंबर, देन x प्लस y टू द पावर n, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, देयर इज एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू टाइम्स y स्क्वायर। उसे पहली टर्म में x n माइनस वन के साथ y आ रहा है, and so on until we get to the last term ncn x to the power 0 y to the power n, x to the power 0 is just 1. उसको हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने समेशन नोटेशन में भी इंट्रोड्यूस की थी इससे पहले, तो हम समेशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं। यानी कि आप देखें n तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो हमारी k की वैल्यू है इस समेशन नोटेशन में वो चेंज होगी। k जो नीचे का नंबर है nc0 जैसे पहला नंबर है, वो जो नीचे का नंबर है जीरो, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पावर ऑफ y ऑफ द सेकंड वेरिएबल। तो y की उस वक्त क्या पावर है, जीरो है, दैट इज वाई इट्स जस्ट एक्स एन। दूसरे में एन सी वन, वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पावर ऑफ y, y की वैल्यू पावर वन है उधर। तीसरी टर्म में एन सी टू है, तो y की पावर टू है। और आप देखें जो y की पावर होती है वो हम n में से x की पावर में से सब्ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि अगर y की पावर वन होगी तो हमने x की पावर n माइनस वन, y की पावर टू होगी तो x की पावर n माइनस टू हो जाएगी। तो इस सम को हम सिंपल उसमें लिख सकते हैं, सम सिग्मा इज फॉर सम एज k गोज फ्रॉम जीरो टू n, यानी कि k स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड देन k टेक्स डिफरेंट वैल्यूज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू एन सी के एक्स टू द पावर n माइनस के y टू द पावर k। दिस इज हमने कंसाइज फॉर्म में लिख लिया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं समेशन नोटेशन को, दोबारा एक दो वैल्यूज डाल के देख लें। वेन k इज जीरो तो हमारा आएगा एन सी जीरो x to the power n minus 0, y to the power 0. So there is nc 0, x to the power n, y to the power 0, which is 1. Agar k ki value of 1 dalenge, to nc 1, x to the power n minus 1, y to the power 1. Dusri term aajegi, and so on. To pehli cheez to ye hai ki ye hai formula jiske tehat hum kisi bhi expression ko expand kar sakte hain, given that n is a natural number. और ये जो बायनॉमियल कोफिशंस इनको कहते हैं, जो x और y के कोफिशंस हैं, इनको हम फिर वो फार्मूला लिख सकते हैं ncr का या nck का। फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r होल फैक्टोरियल। दिस स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज और इट्स कॉल्ड द बायनॉमियल थ्योरम। इसको अब हम यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशंस करने के लिए। इससे पहले हम जो बायनॉमियल थ्योरम में है nck जो कोफिशंस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम अगर उनको थोड़ा रिव्यू कर लें तो एक्सपेंशन में और भी आसानी हो जाती है हमारी। बड़ी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है एन सी जीरो, या अगर आप देखें पहली टर्म में यूज हो रहा है, पहली टर्म में एन सी जीरो हो रहा है और आखिरी टर्म में एन सी एन यूज हो रहा है, इन दोनों की वैल्यूज एक ही आ रही है, दोनों की वैल्यू इज इक्वल टू वन। तो दैट्स वाई जो बायनॉमियल एक्सपेंशन होती है उनकी फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोफिशंस वन होते हैं। अच्छा, आप ये भी देखें कि कोफिशंस बड़े सिमेट्रिकल होंगे एन सी वन। ये अगर आप देखना है तो इसको बेसिकली फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, nc1 इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन एंड दैट इज इक्वल टू n, यानी कि जो सेकेंड टर्म है और सेकेंड लास्ट टर्म है उन दोनों का कोफिशियंट n होगा। इसी तरह जनरल टर्म्स अगर आपने देखनी है तो nck इज इक्वल टू एन सी एन माइनस के। ये कैसे है, ये उसका जो nck का फॉर्मूला है उसी को लगा के देख लें। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में ये सिमेट्री मौजूद रहे। सिमेट्री को इस्तेमाल करके आप काफ़ी अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। NCK का फॉर्मूला क्या है, NCK का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस k फैक्टोरियल। दैट इज द फॉर्मूला फॉर NCK। NCN माइनस k का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, ऊपर तो n फैक्टोरियल ही आएगा, नीचे आपके आएगा n माइनस के फैक्टोरियल, और जो अगली टर्म होती है उसमें से ऊपर वाली टर्म में से हम इसको सब्ट्रैक करते हैं। यहां पे हमने n में से k को सब्ट्रैक किया तो ये टर्म आ गई, यहां हम n में से n माइनस के को सब्ट्रैक करेंगे, सो n विल गेट कैंसल्ड एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस विल बिकम k फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल टू एन सी एन माइनस के। इन दोनों का आप देखें, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन
एज दिस वन. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे के पहले है, यहाँ पे के बाद में, एंड वाइस वर्सा. बट जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो एक ही होगी. तो ये किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आप निकाल सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको सेकेंड लास्ट टर्म भी पता लग गई, आपने ये निकाल लिया आपको थर्ड लास्ट टर्म भी पता लग गई. तो आपको दोबारा दोबारा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिमेट्री की. और ये जो आखिरी प्रॉपर्टी है ये पास्कल ट्राइंगल से आती है. यानी कि अगर आप पास्कल ट्राइंगल में देखें जो ऊपर के कोएफिशिएंट्स हैं एन सी के माइनस वन एन सी के, ये इनको जब ऐड करेंगे तो उसके नीचे का कोएफिशिएंट बनेगा. इसको मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिखाया है कि जो पास्कल ट्राइंगल की फिफ्थ और सिक्स रो है उसको मैंने दिखा दिया है, और उनके बराबर में मैंने जो उनके कोफिशंस हैं जो हमने अभी देखी थी कॉरस्पॉन्डेंस, कि हर रो का जो कोफिशन है दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू एन सी के ऑफ सम नंबर. तो यहाँ पे आप देखें जो फिफ्थ रो की जो दो वैल्यूज हैं 10, 5, इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आ गया 15. 15 इज 10 प्लस 5. 10 कॉरस्पॉन्ड्स टू 5C3 here and 5 corresponds to 5C4. जबकि ये 15 corresponds to 6C4. तो क्या हुआ, हमने इसमें देखा कि 6C4 15 is equal to 5C3 plus 5C4. This is actually a demonstration of ये जो rule मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, n plus 1 ck is equal to n ck minus 1 plus n ck. This is generally true for all formulas for n ck. And uski demonstration ye aapne dekh li Pascal triangle mein, it is true. Yani ki aapne jo upar the n ki value 5 thi, aap jab in dono ko add karenge aur k ki value 1 se badh rahi hai to kya hoga, upar ki value 1 add ho jayegi, 5 ke bajaye 6 ho jayega, aur niche jo higher power thi wo aa jayegi. That is exactly what has happened. अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम को पास्कल ट्राइंगल से भी ज़्यादा आसानी से. इसको इस्तेमाल करने के लिए एक एग्जाम्पल देख लें. हमें कैलकुलेट करना है कोफिशन ऑफ एक्स टू द पावर 11 वाई टू द पावर 4 का इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर 15. अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम से हमें ईजिली पता लग जाता है एक्स की पावर 11 है, एक्स की पावर 11 है और वाई की पावर है 4. हमें पता है कोफिशन इज ऑफ द फॉर्म एन सी के, एन इज गोइंग टू बी 15, एन इज 15, के की वैल्यू जो है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू है 4, तो 15 सी 4, और एक्स की वैल्यू जो होगी दैट इज ऑब्वियसली एन माइनस के, सो इज 15 माइनस 4 विच इज 11. तो हमको पता लग गया कि इसका कोफिशन क्या होगा, इसका होगा 15C4. 15C4 आप नीचे देख लें, उसकी फिर कैलकुलेशन आ जाएगी 1365. सो आपने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम से वेरी क्विकली कोई भी आप मुझको टर्म्स दे दें तो मैं उसको बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए उसके कोफिशन की वैल्यू बड़ी जल्दी से निकाल सकता हूँ आसानी से. पास्कल ट्राइंगल में बड़ी टर्म्स के लिए बड़ा मुश्किल काम था. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में है टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - 3x टू द पावर 10 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x. देन बाय पुटिंग x इक्वल टू 1/100 find an approximation to 1.97 to the power 10 correct to the nearest whole number. पहले हम expansion करेंगे उसकी to the power 4. तो expansion तो binomial theorem से हमको आता है कैसे करना है. Expansion कैसे करना है, n is 10, so it is 10C0. पहली term आ गई, पहला आपका यहाँ पे variable है 2 to the power 10, दूसरा वेरिएबल आपका -3x आ गया, इसकी पावर 0 होगी, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 0. दूसरी टर्म इसकी क्या आ जाएगी, 10C1 टाइम्स 2 टू द पावर 9. अब 2 की पावर्स कम होना शुरू होगी पहले नंबर की और दूसरे की बड़े बढ़ना शुरू होंगी, टाइम्स -3x टू द पावर 1. सेकेंड टर्म आ गई. थर्ड टर्म आ जाएगी इसकी 10C2 2 टू द पावर 8 एंड -3x टू द पावर 2. एंड फोर्थ टर्म आएगी 10C3 2 टू द पावर 7
माइनस थ्री एक्स टू द पावर थ्री। उन्होंने कहा हमें पहली चार टर्म्स निकालने के लिए, हमने इसको निकाल दिया। अब बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करना है। टेन सी जीरो इज वन, टू टू द पावर टेन माइनस थ्री एक्स टू द पावर जीरो इज वन, सो इट्स टू टू द पावर टेन प्लस टेन सी वन इज टेन, टू टू द पावर नाइन टाइम्स माइनस थ्री एक्स एंड सो ऑन। तो जब आप ये करेंगे तो पहली चार टर्म्स आपकी इस तरह से एक्सपेंशन इसकी हो जाएगी। टेन टू द पावर टू टू द पावर टेन इज 1024, फिर 10 सी वन टू टू द पावर 9 टाइम्स माइनस 3, माइनस जो है वो बाहर आ गया, 10 सी वन इज 10, टू टू द पावर 9 इज 512, और अंदर आपका 3x अंदर रह गया। इसी तरह यहाँ पर है और इसी तरह यहाँ पे। इसको आपने जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपकी फाइनल फॉर्म जो है इक्वेशन की वो ये बन गई। ठीक है, अब ये दिस इज 2 माइनस 3x टू द पावर 10 इज इक्वल टू दिस। अब वो आपसे कह रहा है कि लेट x इक्वल टू 1 ओवर 10, आप इसी एक्सप्रेशन में x को लिखेंगे 1 ओवर 10। क्यों, तो मैं जरा इसको लिख लूं, 1 माइनस सॉरी 2 माइनस 3 एक्स माइनस 15360x प्लस 103680 x² और चौथी टर्म आ गई 414720, दैट इज माइनस 414720x³। सो सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था कि लेट x इक्वल टू 1/100। तो जहां जहां x अपीयर हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, ये आगे और भी टर्म्स है तो मैंने डॉट 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 डाल दिया, यानी कि देर आर अदर टर्म्स बट वी आर ओनली यूजिंग द फर्स्ट फोर टर्म्स। सो लेट एक्स इक्वल टू 1/100, सो दैट इज 2 माइनस 3 टाइम्स 1/100 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024 माइनस 15360 टाइम्स 1/100 प्लस 103680 times 1/100² sorry square, my square looks like cube but that looks, that should be a square, okay. Minus 414720 1/100³, and there are other terms. So isme ek do cheeze samajhne wali hain. Left side pe aapke kya aa jayega, 3/100 is what, 0.03, 3/100 is 0.03, 2 minus 0.03 is 1.97. उन्होंने हमको यही कहा हुआ है कि 1.97 टू द पावर 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें। वो हम इन चारों टर्म्स को निकाल सकते हैं, दिस इज 1024 माइनस 15360/100 क्या हो जाएगा, देयर विल बी 153.60, 100 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर आपका आ जाएगा 10,000, तो उसके चार जीरोस आ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 उनसे डिवाइड करेंगे आप, 103680 डिवाइड बाय 10,000 इज प्लस 10.3680 माइनस इसके छह जीरोस आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब आप 414720 को उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.414720 एंड देयर आर हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को हम इग्नोर इसलिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक तो उन्होंने हमें कहा है इग्नोर करने को, लेकिन अगर आप देखें देयर इज अ रीजन कि उन्होंने हमें क्यों कहा है, क्योंकि ये टर्म हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 1/100 और 1/100³ अगर लेंगे तो 1/1,000,000 आ जाएगा, तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, उसके अगर आप पावर 4 लेंगे तो वो तो इतनी छोटी हो जाएगी कि वी कैन ऑलमोस्ट इग्नोर इट बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू जीरो। तो पहली चार टर्म से हमको ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं इक्वल टू के बजाय एक डंडा डाल के टिल्टा सा बना देते हैं, इसका मतलब है दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक कर दें, इसको ऐड कर दें, इसको सब्ट्रैक कर दें, तो 1.97 टू द रेज टू द पावर 10 की जो आपके पास वैल्यू आएगी
वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये आ जाएगी। और उन्होंने कहा टू द नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर उसका है 880। तो आपने इस एग्जांपल में देखा कि हमने बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल किया, हमने एक एक्सप्रेशन की, एक्सपेंशन की, उसकी पावर्स निकाली, फिर हमने कहा कि एक्स की अगर कोई ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें जिससे हायर पावर्स ऑफ एक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके बाद फिर जब हमने वो सब्स्टिट्यूट किया 1/100, तो हमने 2 - 3 × 1/100 किया तो 1.97, ये अब एक डेसिमल नंबर आ गया। आजकल के ज़माने में तो हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, आपने 1.97 को कैलकुलेटर पर डाला, उसकी पावर ली 10, आंसर आ गया। लेकिन कैलकुलेटर से पहले अगर किसी को 1.97 टू द पावर 10 लेना था तो वो कैसे लेता? वो इसी तरीके से लेता था कि वो बायनोमियल, ये इट इज़ वन ऑफ द मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, कि आपने अब डेसिमल्स की आप पावर्स ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट पावर्स, और आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेट पावर्स यूजली। तो हमने इसकी काफ़ी, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी आई, अप टू 5 decimal places हमने इसकी पावर ले ली। तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब इसी को आगे लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे पास एक नंबर है 1.01, उसकी 8th power लेनी है आपने, कैसे लेंगे? तो पहला मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप उसको निकालिए, उसमें 1.01 डालिए, उसकी पावर टू द 8 लीजिए और देखिए आपके पास क्या नंबर आएगा। जब आप डालेंगे तो उसका ये नंबर आएगा, दिस इज़ अ बिग डेसिमल नंबर, 1.08285 एंड सो ऑन, बड़ा लंबा से ये नंबर आएगा। अब अगर मैं बायनोमियल्स को इस्तेमाल करते हुए इस नंबर को लाने की कोशिश करूं तो वो कैसे आएगा? इसमें अगर आप फिर से देख लें एग्जांपल कि हमारे पास 1.01 टू द पावर 8, तो मैं इसको लिखूंगा 1+0.01 टू द पावर 8। मैंने इस तरह क्यों लिख लिया उसको? क्योंकि ऑब्वियसली दो एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो आई कैन नाउ अप्लाई द बायनोमियल थ्योरम विच इज 8C0 1 to the power 8, 0.01 to the power 0, plus 8C1, 1 to the power 7, 0.01 to the power 1, plus 8C2, 1 to the power 6, 0.01 to the power 2, plus 8C3, 1 to the power 5, 0.01 to the power 3, plus 8C4, 1 to the power 4, 0.01 to the power 4, plus 8C5, 1 to the power 3, kya ho rahi hai powers, and 0.01 to the power 5, plus 8C6, 1 to the power 2, 0.01 to the power 6, plus 8C7, 1 to the power 1, 0.01 to the power 7, plus 8C8, 1 to the power 0, 0.01 to the power 8। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिख लिया है कि आप देखें कि 0.01 की पावर्स लेना आसान है, क्योंकि चक्कर ये है कि 0.01 की पावर 1 एक आएगा तो इसमें 0.01 आ जाएगा, उसको आप दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, 3 times करेंगे तो 0.000, उसके आगे 5 zeros लग जाएंगे फिर 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसकी पावर्स लेना बड़ा आसान है रिलेटिवली। अब मैं उसमें बायनोमियल थ्योरम में अगर इन वैल्यूज को पुट कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, इसको देख लेते हैं। तो पहला 8C01 आ गया, 8C18, 8C228, 8C356 एंड सो ऑन। बेसिकली 8C3 के बाद 8C4 की वैल्यू 70 है, उसके बाद हमने जो सिमेट्री देखी थी बायनोमियल थ्योरम की उससे 56, 28, 81 बिल्कुल उल्टा कर दें, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, यहाँ से 56, 28, 81 तो यहाँ से 56, 28, 81। उसको अगर आप देखें तो सारी पावर्स मैंने ली, उसके बाद मैंने उनको मल्टीप्लाई किया उनके कोफिशिएंट से, उसके बाद जब मैंने सबको ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 1.0828। अगर आपके पास अभी भी कैलकुलेटर में जो वैल्यू आपने डाली थी 1.01 to the power 8, उसको आप इससे देखेंगे तो दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो
आपको ये चीज़ अब पता लग जाएगी आपको कि आपके जो कैलकुलेटर्स हैं, अक्सर कंप्यूटर्स जो हैं, व्हाट दे डू, दे पुट दीज पावर्स फंक्शंस जो होते हैं, या और भी बहुत सारे एक्सपेंशन फंक्शन होते हैं, उनको दे राइट इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल या उनको पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। और जब आप बटन्स दबाते हैं और मैं नंबर डालते हैं, तो वो असल में पीछे ये बाइनोमियल कैलकुलेशन कर रहा होता है और उसकी तहत वो आपको ये एक आंसर निकाल के देता है। आप देखेंगे ये दोनों आंसर बिल्कुल इक्वल टू हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं की, हमने जितनी वैल्यूज थी बाइनोमियल की उस सबको यूज़ किया। अगर हम अप्रोक्सीमेट कर लेते, पहली चार वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते, तब भी आंसर आया था, लेकिन देयर वुड हैव बीन द एग्जैक्ट आंसर। अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया है। अच्छा, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स में। इस एग्जाम्पल में हमारे पास है फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - x³ एक्स टू द पावर 6 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। हमको पता करना है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच देर इज नो टर्म इन x² इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + kx 2 - x² ये कैसे करना है। हमने पहले तो उसकी जो टर्म्स थी एक्सपेंड कर लिया बायनोमियल थ्योरम लगा के, पहली तीन थ्री टर्म्स आ गई, 6 + 0 पहली वैल्यू है 2, तो 2 - 6, दूसरी वैल्यू है -x, वो हमने इस तरह से ले आए। तो हमारे पास पहली तीन टर्म्स आ गई 64 -192x +240x², पहली तीन टर्म्स आ गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा इसी एक्सप्रेशन को हम 1 + kx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तब हमारे पास किस k की क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास x² की कोई टर्म ना बचे, यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो। हमको k की वो वैल्यू निकालनी है विच विल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम 1 + kx को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 - x² 6 से, तो उसकी हमने पहली तीन टर्म्स पहले निकाल ली है 2 - x² 6 की, वो हमने लिख ली सामने, प्लस डॉट 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 का मतलब है कि देर आर अदर टर्म्स। अब देखिए, आप इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी होती है, रादर देन मैंने तो यहाँ पे पूरी चीज़ मल्टीप्लाई कर दी ना उन दोनों एक्सप्रेशंस को, लेकिन आपकी एक ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटायर एक्सप्रेशंस, यू आर इंटरेस्टेड इन x² का कोएफिशिएंट कब 0 होगा। तो आप देखिए x² की कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, एक तो जब पहले एक्सप्रेशन है 1 + kx, इसका जो 1 है उसको आप 240x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 240x² = 240x², एक आपकी x² की टर्म ये आ जाएगी। दूसरी x² की टर्म उस वक्त आएगी जब आप kx को मल्टीप्लाई करेंगे -192x से, सो देयर विल बी -192k x × x विल बी x², एक x² की टर्म आ जाएगी। और आप देखेंगे इसके अलावा x² की और कोई टर्म कहीं नहीं आएगी, तो आप यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दीज टू टर्म्स, तो दो टू टर्म्स आर 240x -192kx, इनको आपने ऐड कर लिया, तो दिस विल बी 240 - 192k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². आपको पता करना है k की वो वैल्यू जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0, तो आप उसको 0 सेट कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 240/192। एक क्विक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। हमारे पास ये एक टर्म आ गई, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x⁻⁶, और दूसरा है उसको फिर हमने 1 - 3x से निकाला, तो 1 + 2x⁻⁶ का कोएफिशिएंट उसमें x³ की क्या कोएफिशिएंट आएगी। अगेन इसमें आप बजाय इसके कि पूरी चीज को एक्सपेंड करें, वी आर इंटरेस्टेड इन द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो आप जब एक्सपेंशन में देखेंगे देयर विल बी 6c³, और जो उसकी बाहर की वैल्यू आ रही है 2x, उसको क्यूब कर लेंगे, 2x³ = 8x³। ये तो पहला पार्ट हो गया, उसका कोएफिशिएंट आ गया 160। दूसरे पार्ट में 1 - 3x को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 + 2x⁻⁶ से। इसमें अगर पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी, इसमें आपने देखना है कि x³ की कौन सी टर्म्स आएंगी। तो इसमें एक तो टर्म वो आएगी जो आपकी है 6c³, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पिछली टर्म आ गई जो आपने इससे पहले ऊपर वाली टर्म देखी थी, 6c³ (1³³)⁻2x³³। दूसरी x³ की टर्म वो आएगी जो एक्सपेंशन में x² की टर्म होगी, उसको जब हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक टर्म आपकी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 6c² (1⁴)⁻2x², और बाहर आपके 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपके दो कोएफिशिएंट आ जाएंगे, पहली का 160 आ गया, दूसरी का -180 आ गया, 60 - 180 = -20, और x³ को आपने मिला लिया। तो इस तरह से आज हमने देखा कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, उससे पहले हमने पास्कल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर उसकी एप्लीकेशन हमने देखी कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक ऑन बायनोमियल थ्योरम।
थैंक यू वेरी मच।